गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 में गणित में बहुपद पढ़ने वाले हैं, तो बहुपद का आज मैं व्याख्या देने वाला हूं और उसकी भूमिका बताऊंगा, उसके प्रकार को बताऊंगा, परिभाषा और बहुपद है या नहीं है इसकी पहचान बताऊंगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद, बहुपद का मतलब होता है बहुपद का मतलब बहुत सारा अधिक, अपद मतलब भाग, यानी बहुत सारे पद मिलकर बहुपद का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कि 5x+1, तो यहाँ देखिए एक पद दो पद ये मिलकर क्या हो गए, बहुपद हो गए। और भी देख लीजिए x²+3x+1 ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। और 7x³-3x²+5x+1 ये भी क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो क्लास 10 की जब बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो ये तो जो आप लोग बोर्ड भी देख रहे हैं ये तो बहुपद है, फिर कौन बहुपद नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा कि बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं होगा, यदि चर का मान माइनस की पावर में आ जाए, माइनस मान लीजिए कि -2 हो जाए यहाँ पे -2 ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। यदि चर किसी संख्या के बट्टा में आ जाए, मान लीजिए 8/x² + 8/x² + 6 ये बट्टा में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। यदि चर रूट में आ जाए, मान लीजिए कि 3x² ये रूट में, ऐसे 3x² + √x+1 देखिए यहाँ x क्या हो गया, रूट में आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी कि 3 मीटर को आपको समझना है। यदि चर क्या मतलब क्या होता है, संख्या दो तरह की होती है, एक होता है चर का मतलब xyz, ठीक, एक होता है अचर का मतलब होता है संख्या, ना संख्या होता है, बट्टा भी हो सकता है और रूट भी हो सकता है, ये संख्या होता है अचर। तो कह रहा है कि बहुपद में यदि चर का घात माइनस में हो जाए, चर के पावर में माइनस हो जाए, जैसे यहाँ -2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यदि चर बट्टा में हो जाए जैसे 8/x², तो बहुपद नहीं होगा। यदि चर में रूट, चर पर रूट चढ़ जाए तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, बहुपद को मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। यदि आपसे कहा जाए कि कोई भी बहुपद दे दिया जाए, कहा जाए कि मानक रूप में लिखिए, तो जब हम किसी भी बहुपद को क्रम से सजाकर लिखते हैं तो ये होता है मानक रूप। देख लीजिए x² + 5x + 1, यानी कि घात को क्रम से सजाकर लिखेंगे तो ये होता है मानक रूप। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3x² + 4x² + 3x + 1, ये क्या है, मानक रूप में। देखिए घात 5, तब 2, तब 1, तब 0, यानी कि चर का घात घटते क्रम में हो जाए, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो यह होता है मानक रूप में। देखिए 5 है, तब 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये क्या हो गया, मानक रूप हो गया। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम दिखा रहे थे कि कौन मानक रूप में नहीं होगा। अगर आपसे कह दे 3x² + 5x + 7x⁴ + 1, ये क्या है, मानक रूप में नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ 2 है, फिर 1 है, तब पावर 4 है, और यहाँ 0 है, तो ये मानक रूप में नहीं है। अगर इसको हम मानक रूप में करना चाहें तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, यानी कि 7x² + 3x² + 5x और 1, ये हो गया मानक रूप में। तो अभी आप लोग देखिए कि कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा, बहुपद के मानक रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद
के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में पहला जो मीटर पढ़ेंगे हम लोग पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक, तो पहला होता है पद के आधार पर एक पदी, एक पदी बहुपद। इसका परिभाषा होगा जिस बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में पदों की संख्या, पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं 5x 4/3y 7y बट्टे 4 3z या 9, ये क्या हो गया एक पदी। देखिए एक पद है, ठीक है, एक पदी बहुपद। अब दूसरा होता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। यानी कि इसकी परिभाषा हो जाएगा जिस बहुपद में पदों की संख्या दो हो, यानी कि दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल लिया जाए, जैसे 3x+1 एक दो, दो पद हो गए। 3y² + 5 एक पद, दो पद, दो पद हो गए। 7x+4 एक दो, दो पद हो गए। या 3x³+1 एक दो आदि। यानी कि जिस बहुपद में दो पद होंगे उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे त्रिपदी। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। सेम परिभाषा इसी आधार पर लेंगे हम लोग कि जिस बहुपद में पदों की संख्या तीन हो, जिस बहुपद में पदों की संख्या तीन हो उसे क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में पदों की संख्या तीन हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लें तो होगा 3x² + 5x+1 देख लीजिए, एक पद, दो पद, तीन पद हो गया। और 7y² + 8y + 4 यानी कि क्या हो गया एक दो तीन, तीन पद में हो गया। या 5/4z² - 3z + 4 तो यहां भी गिन लीजिए एक दो तीन, तीन पद में हो गया। तो हम लोग देख रहे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अगर चतुर्थ पदी का बात हो तो उसमें चार पद आएंगे, पांच पदी का बात हो तो पांच आएंगे। तो इसके आधार पर आप लोग बहुपद के पदों के आधार पर चुन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, आप सभी इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसे मैं मिटाता हूं अगले मीटर के लिए। तो अब देखेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार में, अब होगा घात के आधार पर
बहुपद के प्रकार। घास के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो पहला होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है। पहला प्रकार होगा शून्य बहुपद। देखिए आप इसे देखते ही और सुनते ही याद कर लेंगे, जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे में संख्या लिया जाएगा इसमें। अब आप लोग पूछेंगे कि शून्य बहुपद कैसे हुआ, तो इसका मैं खंडन करके दिखाता हूं। 6 में अगर हम लोग x के पावर 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहां पर x का पावर क्या हो गया है 0, तो वे तो 6 आया, क्योंकि आपको पता है एक सूत्र होता है कि x के पावर 0 बराबर 1, यानी कि किसी भी संख्या का घात 0 हो जाए तो उसका वैल्यू यानी मान 1 होता है। यानी कि यहाँ x के पावर 0 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 × 1 बराबर 6, यानी कि क्या है बहुपद है। इस तरह से ये सब क्या है शून्य बहुपद है। दूसरा होता है रैखिक, दूसरा होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद इसका परिभाषा होगा जिस बहुपद के घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x में x का घात क्या है 1 है, या 3x + 1, तो यहाँ x का घात क्या है 1 है। अगर मैं इसे भी लिख सकता हूँ 5/4y + 1, ये भले दो पद में है लेकिन इसका घात क्या है x का 1 है, या 3z + 1, या 8y - 4, ये सब क्या है रैखिक बहुपद है। इसमें पदों की कोई मतलब नहीं होते, बस बहुपद का घात 1 होना चाहिए। और बहुपद का नाम जो होता है, नाम मैं आपको बता दूं कि बहुपद में सबसे बड़े वाले घात के आधार पर उसका नामकरण होता है। तो ये बहुपद दो पद में है लेकिन इसका 1 का घात 0, इसका घात क्या है 1, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, तीसरा होता है द्विघात बहुपद। यहां पर परिभाषा होगा जिस बहुपद के घात 2, यानी हिंदी में लिखते हैं 2 हो, यानी जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या कहेंगे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे में हो जाएगा 3x², तो घात क्या हो गया 2 गया, तो द्विघात हो गया 5y² + 4y + 1। मैंने अभी बताया था कि बहुपद कितने पद में उसे कोई मतलब नहीं है, बहुपद का सबसे बड़ा घात ही उस घात के आधार पर उसका नाम लेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ा घात क्या है इसका 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघात। और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4z², ये भी क्या है पावर 2 है, घात 2 है तो द्विघात है, या 3x² - 1 भी क्या है द्विघात है। अगला होगा त्रिघात, चौथा होगा त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात बहुपद तो इसमें होगा कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे में हो जाएगा 3x³ + 1, ये घात कितना हो गया 3 हो गया, या
5y³ + 3y² + 5y + 1। तो ये क्या हो गया, त्रिघात हो गया। भले ये चार पद में है लेकिन सबसे बड़ा घात क्या है, तीन। तो तीन ये क्या हो गया, त्रिघात हो गया। यहाँ घात दो है तो दो द्विघात तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सबसे बड़े वाले घात से उस बहुपद का नामकरण होता है। तो ये क्या होगा, त्रिघात होगा। और भी देख लीजिए, हम यहाँ जेड क्यू भी लिख देना तो ये त्रिघात होगा, ठीक है। 8y³ + 1 भी लिख दे तो क्या होगा, त्रिघात होगा। इस तरह से अगर आपको आगे भी लिखवाया जाए तो चतुर्थ घात बहुपद, पंचम घात बहुपद, तो इसी के आधार पर आप परिभाषा और उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को जो दसवां में पढ़ना है, रैखिक तो दसवां में पढ़ना नहीं है क्योंकि ये सब नाइन्थ में आप लोग रैखिक को पढ़ चुके हैं। दसवां में पढ़ना है द्विघात और त्रिघात, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दसवां में। तो हम लोग इसके परिभाषा को तो देख लिए, उदाहरण देख लिए, बस इसके सूत्र को और मूल को देख लेंगे, यानी सुनेगो की संख्या और सेम इसी तरह, ठीक है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए इसके प्रकार, तो अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद में आपको सबसे पहले क्या जानना है दसवां क्लास के लिए, तो वो होगा पहला मूल रूप। आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद के मूल रूप क्या होगा, मूल रूप। तो मूल रूप इसका होता है ax² + bx + c, ये इसका मूल रूप होता है। दूसरा मीटर जो पूछा जाएगा द्विघात में, पूछा जाएगा इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, मूलों की संख्या, द्विघात बहुपद में मूलों की संख्या कितनी होगी। तो इसके मूलों की संख्या मात्र दो होती है, ठीक है, अधिकतम दो। और इसे अगर मानना चाहा जाए तो अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा माना जाता है इसके शून्य को, ठीक है। उसके बाद तीसरा पूछा जाता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग के लिए आपको बता दें कि दो को शून्यक होता है अल्फा और बीटा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके लिए सूत्र बनता है -b/a। यहाँ बराबर ना मान लीजिए, या तो भाषा में देगा नहीं तो अल्फा और बीटा में देगा, तो ये सूत्र होता है -b/a। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो इसमें अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, और ये होता है c/a। तो द्विघात के लिए ये चार मीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे त्रिघात के लिए, यहीं पे त्रिघात के लिए, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में भी हम लोग इन चारों को लिखेंगे। त्रिघात बहुपद का मूल रूप, मूल रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। और यहाँ मूलों की संख्या, त्रिघात बहुपद में मूलों की संख्या पूछा गया आपसे, तो मूलों की संख्या होती है तीन, और इन तीनों को मानने के लिए हम अल्फा बीटा और गामा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा, तीसरा मीटर जो होगा इसका, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और ये होता है -b/a। उसके बाद होता है दो दो करके, दो दो कर के, सुने को दो दो गुणा करके योग, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा को जोड़ा जाएगा, तो इसके लिए सूत्र होता है c/a, ठीक।
और अगला मीटर होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ देख लीजिए ये शून्यकों का योग, दो दो करके योग करने पर और शून्यकों का गुणनफल, ये तीन सूत्र होता है इसके लिए। और मुझे लगता है कि इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं रैखिक के बारे में, तो रैखिक रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में इसका मूलों की संख्या हो जाएगा, पहले मूल रूप लिख लेते हैं, मूल रूप इसका होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक। दूसरा होता है मूलों की संख्या, तो इसमें मूलों की संख्या मात्र एक होता है, ठीक है। तो जो दसवां में हम लोग पढ़ने वाले द्विघात त्रिघात और रैखिक तो नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, तो ये सूत्र हम लोग प्रश्नावली में यूज करने वाले हैं। और इस तरह से हम लोग आज बहुपद के सारे प्रकार, परिभाषा, कौन बहुपद है नहीं है, और इसके विभिन्न सूत्रों को पढ़ लिए हैं। और अगले क्लास में हम लोग बहुपद के पहले प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो इसी के साथ आज के क्लास यही समाप्त होता है। और यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और सभी विषयों को कम्प्लीटली क्लास हमारे चैनल से मिलने वाले हैं। तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दसवां क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी तरह हमारे सारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।